हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। एंड टुडे जस्ट आई थॉट टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दिस पोएट्री माय मदर एट 66। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। आज मैं आप लोगों के लिए माय मदर एट 66 पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए विचार किया और इस पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको वीडियो के द्वारा समझाया जाए और ताकि घर पर बैठ करके भी वो पढ़ सकें। सो दैट इज़ गुड थिंग। एंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस पोएम, I'll try to explain in English as well as in Hindi also, okay? Because some of you find it easy to be explained in Hindi, so I think that will be fine, okay? So let's start. My Mother at 66 by Kamala Das, okay? So we can have a look अबाउट द पोइटेस। यहाँ पर कमला दास के बारे में बताया गया है। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला ऑन 31 मार्च 1934। शी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। कमला दास के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म केरला के मालाबार स्थान पर 31 मार्च 1934 को हुआ था और वो इंडिया की महान कवियों में से गिनी जाती हैं। उनकी पहचान महान कवियों के रूप में उनकी पहचान है। और उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, सी डाइड ऑन 31 मई 2009 इन पुणे। उनकी मृत्यु पुणे के पुणे में 31 मई 2009 को हुई थी। ओके, टेक्स्ट, लेट्स सी द टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट बताया गया है जो पोएम मेन पोएम है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. गाड़ी चलाते हुए जब अपनी माँ के घर से वो कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी तो पिछले शुक्रवार की सुबह में की घटना है ये। उन्होंने अपनी माँ को देखा जो उनके बगल में बैठी हुई थी, ऊँघ रही थी, सोने जैसी मुद्रा में थी या उनको नींद आ रही थी। मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा एकदम फीका सा था, जैसे कि एक मृत व्यक्ति का चेहरा होता है, लाश का लाश होती है उस तरह से। और दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। महसूस किया कि वो इतनी वृद्ध थी जितनी कि वो दिखती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, शीघ्र ही इस विचार को मैंने हटाकर दूर रख दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस विचार को दूर रखते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ जो छोटे पेड़ हैं वो तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, और खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, ये सब हलचल हो रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और ये सब होने के बावजूद फिर वो अपने जब वहाँ पर पहुँच जाती हैं एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जाँच की जाती है, जाँच पड़ताल के बाद में फिर वो अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं खड़ी हुई, जो कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उनको फिर से उनके चेहरे को गौर से वो देखती हैं, क्या फिर से वही फीका चेहरा, पीला पड़ा हुआ, जैसे कि सर्दी का चांद जिसमें ज़्यादा चमक नहीं होती है। और इस बात को फिर उन्होंने महसूस किया, वही पुराना दर्द। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। तो फिर से जब उन्होंने अपनी माँ को देखा
तो फिर से उनको वही बात याद आई, उनका पीला पड़ा हुआ चेहरा जो बेरंग है, और इस तरह से जैसे सर्दी का देर में सर्दी का जो चाँद दिखता है, किस तरह से ज़्यादा उसमें चमक नहीं होती है। और फिर से वही पुराना दर्द महसूस किया, मेरे बचपन का डर जो उनको महसूस हुआ, माय चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इतना इस बात को महसूस करने के बाद में भी इतना उनको दुख था, दर्द महसूस करने के बावजूद भी वो जो कह सकी, माँ फिर से मैं आपसे मिलूँगी, या फिर आप फिर से हम मिलेंगे, आपसे मिलूँगी, ये इतना वो कह सकी, ऑल आई डिड, और जो कुछ मैं कर सकी, जो कुछ मैंने किया, वो क्या मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ठीक है, तो इस पोएम का जो भाव है कि उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुसार किस तरह से लोगों के चेहरे का सौंदर्य और जो ताजगी है वो चली जाती है, और हम देखते हैं कि लोगों का जैसे दिखना, किस तरह से वो वृद्ध महिला दिख रही थी, एक समय वो बहुत ही खूबसूरत और एक्टिव दिखती थी, लेकिन अब उम्र की वजह से उनके चेहरे का रंग जा चुका है और वो अपनी इस वृद्धावस्था की हालत में आ पहुंची हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट, बाय।